कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले अपने बच्चों का भविष्य सर्वोपरि होना चाहिए हर माँ बाप के लिए। आज हमारा जो लड़कियों का स्कूल है वो मॉडल सांस्कृतिक स्कूल बन चुका है, उसके अंदर स्मार्ट बोर्ड पे क्लास हो रही हैं। अगर किसी को ये नहीं लगता कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है तो स्कूल में जाकर चेक करो, उसमें बोर्ड आगे हैं, स्मार्ट बोर्ड आगे हैं और बच्चों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। और ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो ये लूट खसोट हो रही है, बेमतलब की इतने पैसे ले रहे हैं कि फीस के कभी कोई चार्ज ले रहे हैं, कभी कोई चार्ज ले रहे हैं, इस तरीके से माँ बाप के ऊपर परेशानी का बोझ पड़ता जा रहा है, अनाप शनाप के खर्चे पड़ते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की खुली लूट है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा इतना तो वो है नहीं, हम सरकारी स्कूल में अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत ही उसका बच्चों को भी फायदा मिलेगा, माँ बाप को भी फायदा मिलेगा और गाँव का भी भविष्य उज्ज्वल होगा। अभी पीछे सी देखा है हमने, खेलों में लड़की गोल्ड मेडल लाई हैं, वो सरकारी स्कूल की में ही पढ़ रही हैं, वो खेल में भी आगे हैं और पढ़ाई में भी आगे हैं। तो मैं यह करूँगा कि माँ बाप जो भी है, जिसके भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, महीने में एक बार ज़रूर अपने बच्चे को स्कूल में चेक करकाओ। और पहले भी गाँव के अंदर पढ़ाई के अंदर गोल्ड मेडल आए हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में भी और खेल के क्षेत्र में भी गोल्ड मेडलों की लाइन लग जाएगी। तो सबसे बड़ा धन बच्चों का धन है, इस बारे में हर एक माँ बाप को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का भी भविष्य उसी में बनता है और बच्चों का तो बनता ही बनता है, और घर परिवार का बनता है, गाँव का बनता है, नाम रोशन होता है। तो अपने बच्चों को भाई नशा वगैरह से या और बुरे कर्मों से दूर रखना चाहिए। नशे का भी हमारा मतलब ये आज बहुत ही वो हो गया है नशा, इसमें माँ बाप को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, दूसरे तीसरे वो समेक बोलते हैं और कैप्सूल का नशा करते हैं, सुए का नशा करते हैं, इंजेक्शन वगैरह जो भी नशे का उनको साधन मिलता है उसके ऊपर वो एकदम से वो आकर्षित होकर के मोहित होकर के उस नशे में, और वो अपना जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। हमारे को बहुत खुशी है, हमारा जो गाँव है डीगल गाँव है, जो आस पास का गाँव है, एक भी आग पराली जलाने का कोई भी मामला नहीं आया है। और लोगों को इनकम भी हो रही है, एक एक ट्रेली एक एक किले में 3000 से 3500, किसी की 2500, किसी की 4000 ऐसे पराली बिक रही है। तो आग लगाने का एक जो मिसाल दी है डीगल गांव ने और डीगल के आसपास जितने भी गांव हैं उनने एक मिसाल दी है कि भाई अपने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित बनाना, इसके अंदर कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होना। तो ये एक बहुत बड़ी ही गांव की वो है, लोगों की एक महानता है। ये जो राष्ट्रीय का वो था एक किस्म से, उसको अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, हवा को शुद्ध बनाने के लिए गाँव का बहुत बड़ा महत्व तो है। मैं इसके लिए सभी गाँववासियों व आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसी ही जिस तरीके पर्यावरण है, नशा है, भाई बच्चों को पढ़ाने में आगे आना है, खेल में आगे आना है, ऐसे ऐसे बढ़िया कार्यों में अपने बच्चों को, खुद को, अपने जितने भी हुए हैं उनको प्रेरित करें ताकि इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। और मैं इसी बात के साथ में धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जरूरत तो शुरू से ही है, सरकारी स्कूल शुरू से ही है, जिस तरीके आंगनबाड़ी से ही शुरुआत कर लो, क्योंकि हम ये इनमें ये एक एक स्कूल या दो स्कूल से नहीं है, ये शुरू से ही आंगनबाड़ी में बदलाव होना चाहिए। और एक आंगनबाड़ी हमने प्रयास किया था गाँव पन्ना सिलारण में, एक मॉडर्न 250 गज में एक आंगनबाड़ी का वो शुभारंभ करके बन चुकी है, उसमें बच्चों को सारी सुविधा मिलेंगी, जिससे कि भाई मतलब उनका रहन सहन और शुरू से ही उनका रहन सहन, खान पीना, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, स्पेशल उसके अंदर वो आएंगे। तो एक साथ में हमने कोशिश करके अपने जो बड़ा स्कूल है उसके अंदर भी उसको वो मॉडल उसके तौर पर, नर्सरी के तौर पर वो स्थापित करवाई है। तो ये शुभ संकेत हैं गांव में बच्चों के लिए।